मार्च का महीना चल रहा है लेकिन अभी से ही गर्मी ने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस साल देश में गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। इस बार झुलसाने वाली गर्मी पड़ेगी और लोगों के लिए गर्मी मुसीबत बनेगी। मौसम विभाग की माने तो देश के विभिन्न राज्यों में तापमान बहुत अधिक तेजी से बढ़ेगा। अभी देश में गर्मी ने पूरी तरह दस्तक भी नहीं दी है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में इसका असर अभी से देखने को मिल रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में तो अभी से ही येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर देश की राजधानी दिल्ली की ही बात करें तो पिछले 10 दिनों में दिल्ली के आसपास के इलाकों में 13 डिग्री तापमान की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पारा रिकॉर्ड तोड़ने लगा है। मौसम विभाग ने अगले 2 महीनों में पूरे देश में औसत से अधिक तापमान रहने की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक मार्च से मई के बीच कई राज्यों को लू के थपेड़े झेलने पड़ेंगे। मार्च के महीने में बढ़ते तापमान को देखते हुए लगता है कि इस बार गर्मी झुलसाने की तैयारी में है। जानकारों के मुताबिक वर्तमान में तापमान 38 डिग्री के करीब है, जो अगले 2-3 दिनों में 41 डिग्री तक पहुंच सकता है। तो मार्च में पड़ रही गर्मी ने इशारा कर दिया है कि आने वाले दिन और गर्म रहने वाले हैं, और जैसे जैसे मई और जून का महीना आएगा गर्मी अपने चरम पर होगी, यानी कि इस साल गर्मी आफत लेकर आएगी। देखते रहिए डीबी लाइव।